अस्सलाम वालेकुम, लाहौर ये सेठ से उमैर ताहिर। माय कांटेक्ट नंबर 03219537814। आज मैं आपको DHI बहावलपुर के जो चार मल्ला कमर्शियल है इनकी प्राइसेस के बारे में अपडेट करूंगा। ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में क्या इनकी प्राइसेस हैं, और सेक्टर जी जो चार मल्ला कमर्शियल है इसको डिस्कस करेंगे कि इस टाइम इसकी बाइंग बनती है, किस प्राइस पे ये अवेलेबल है, कितना डिफरेंस है प्राइस में, और मैक्सिमम किस प्राइस पे ये इसकी प्राइस गई थी DHI बहावलपुर सेक्टर जी चार मल्ला कमर्शियल की। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। सबसे पहले मैं अपने लाहौरिया शेयर के क्लाइंट्स को बताना चाहूंगा कि सेक्टर ए में जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया है वहां पे जो चार मल्ला कमर्शियल है ऑन ग्राउंड जिसको नंबर लग चुका हुआ है और इसकी जो प्राइस सिस्टम है वो कम अज कम भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। इसमें इसकी लोकेशन जो है वो सेक्टर ए में है, सेंट्रल कमर्शियल एरिया है और 40 फुट रोड के ऊपर है। इसकी आप ये देखें, एक तो ये 40 फुट रोड पे है, अगर इसका कंपैरिजन करें सेक्टर जी की फाइल के साथ तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का फासला बनता है। आप आगे आके फिर सेक्टर ए में आगे चार मल्ला कमर्शियल लेने हैं 1.5 से 2 में। और इसी तरह सेक्टर बी में जो है यही प्राइसेस तकरीबन ए और बी की सेम प्राइस है चार मल्ला कमर्शियल की। तो इन दोनों से बेहतर ये भी है, फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ये भी मैक्सिमम गेन देंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन लेना चाह रहे हैं तो सेक्टर जी की फाइल लें। सेक्टर जी की फाइल स्टैम्प बहुत रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, 93.5 तक जो है इसकी फाइल स्टैम्प अवेलेबल है, जो कि मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी प्राइस नीचे आ जाएगी। हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इस वजह से मार्केट में थोड़ा रिवर्स लगा और फिर आगे जाके डॉलर आपने देखा, डॉलर की जो प्राइस मैक्सिमम पे गई तो लोगों का ज्यादा रुझान जो है डॉलर या गोल्ड की तरफ चला गया। लेकिन अभी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द होने जा रहे हैं, फिर डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है, उससे गोल्ड की प्राइस में भी फर्क पड़ेगा। तो रियल स्टेट में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह इसमें आपको मैक्सिमम फायदा होगा। सेक्टर जी की चार मल्ला कमर्शियल फाइल की जो मैक्सिमम प्राइस गई थी वो 150 से 155 तक गई थी, इस टाइम आप देखें कम अज कम 55 से 60 तक यहाँ पे मिनिमम प्राइस आई है। और जैसे आप फाइल की बाइंग करेंगे बैलेट की न्यूज आती है, बैलेट मैं समझता हूँ कि इन हालात में DHI को बैलेट की न्यूज नहीं देनी चाहिए, लेकिन DHI का अपना पर्सनल मैटर है, वो जब चाहे बैलेट की न्यूज दे सकते हैं। लेकिन थोड़े से हालात जैसे बेहतर हुए तो DHI जब इसकी न्यूज देगा बैलेट की, तो बैलेट में मैक्सिमम आप गेन देखेंगे। जैसे न्यूज आएगी तो इसकी प्राइस मैक्सिमम गेन पे जाएगी। अब सेकंड बात यह है कि देखें इसकी 150 पे अगर प्राइस गई थी, आज फॉर एग्जांपल DHI बैलेट की न्यूज देता है तो कम अज कम 20 से 25 लाख रुपया चार मल्ला कमर्शियल में गेन है। सेकंड ये है कि आपको फाइल के ऊपर पहले ही DHI ने मेंशन कर दिया है कि ये सेक्टर जी की फाइल है। ऐसा नहीं है नॉर्मली DHI में क्या होता है, आपने जो भी फाइल बाय की आपको नहीं पता उसका ब्लॉक कौन सा होगा, उसकी लोकेशन कैसी होगी। इसमें आपको दोनों चीजें पहले से ही कंफर्म कर दी गई हैं कि ये सेक्टर जी की फाइल होगी और 250 फीट रोड के ऊपर होगी। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें बेस्ट, मतलब जो कमर्शियल में आपको अच्छे से अच्छा जो है अगर आप प्रॉफिट जा रहे हैं तो चार मल्ला कमर्शियल की फाइल लें। सेकंड मैं बात करूंगा सेंट्रल कमर्शियल एरिया, सेकंड मैं बात करूंगा दो मल्ला कमर्शियल की जो सेक्टर शॉप्स हैं, ये भी मार्केट में कैश पेमेंट पे जो है अराउंड 65 से 70 तक अवेलेबल है। ये भी आगे जाके 40 फुट रोड के ऊपर है, ए ब्लॉक में, बी में या सी ब्लॉक में, तो उससे बहुत बेहतर है कि सिर्फ 15 से 20 लाख का डिफरेंस है या 25 लाख का डिफरेंस है। तो आप चार मल्ला कमर्शियल लें, चार मल्ला में अच्छे प्रॉफिट के लिए आप इस टाइम पे बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सेक्टर जी में वैसे तो कनाल और चार मल्ला की फाइल्स हैं और इसके अलावा अभी तक कोई कटिंग DHI नहीं दी, लेकिन बहुत जल्द DHI जैसे इसकी न्यूज बैलेटिंग की करेगा या वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो बेस्ट जो है वो इंशाल्लाह जैसे DHI यहाँ पर बैलेटिंग वगैरह करेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बेहतर यहाँ पे प्राइसेस हो जाएंगी। मैं बात करूंगा DHI बहावलपुर के ओवरऑल कमर्शियल जो अभी मैंने आपको बताया ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, सेक्टर जी में, तो इसी तरह जो स्टॉर्मस पे फाइल्स हैं दो मरला और पांच मरला कमर्शियल की। दो मरला के ऊपर भी एक टाइम था कि जब इसके ऊपर तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ ऑन था, मतलब लोगों ने सिर्फ डाउन पेमेंट और अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दी तो उन्होंने मैक्सिमम फायदा यहाँ से उठाया। इसी तरह पांच मल्ला के ऊपर भी ऑन था तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट थोड़ी माइनस में आई तो इनकी इनका ऑन भी जो है पहले से नीचे आ गया हुआ है। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल बाइंग टाइम है, बॉटम लाइन है, आप ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे आप अगर बाय करते हैं तो आप महंगी बाइंग कर रहे हैं या आपको इसमें लॉस होगा, ऐसा नहीं है। वो लोग
जो इस टाइम भी सोच रहे हैं कि मजीद अभी 2 लाख 3 लाख प्राइस नीचे आएगी फिर हमें बाइंग करनी चाहिए, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप इस टाइम पे देखें कि अगर आप 2-3 लाख के चक्कर में देखेंगे कि बिल्कुल ये बॉटम पे आ जाए या शायद आ जाए, वो भी एक चांस है कि मतलब 2 से 3 लाख रुपए नीचे आ जाए, लेकिन आप ये देखें प्रॉफिट रेशियो कितनी है। हमने दोनों चीजों को ये देखना है कि ऑलरेडी आप जो फाइल ले रहे हैं वो 55 से 60 लाख रुपया माइनस पे है, तो जब आपने इसमें प्रॉफिट के लिए करना है और अगले 6 महीने 8 महीने माइंड में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म भी रखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पहले आज से 2 साल 3 साल पहले लोग समझते थे हमने प्रॉपर्टी ली है तो इसको 2 से 3 साल होल्ड करेंगे तो इसमें हमें मैक्सिमम फायदा होगा, लेकिन आज क्या होता है, आज के दिन में लोग जैसे बाइंग करते हैं वो सोचते हैं कि शायद अगले दिन या एक हफ्ते बाद मुझे इसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने माइंड में कम से कम 5 से 6 महीने का माइंड रख के फिर आप बाइंग किया करें, उसमें फिर आपको मैक्सिमम फायदा होगा। तो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मजीद आप वेट ना करें, इसको फौरी बाय करें चारमल्ला कमर्शियल को, आने वाले टाइम पे आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत रिजनेबल है, डीएचए सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और डीएचए में आप इन्वेस्टमेंट करके अगले 2 साल 3 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो आपको ये मैक्सिमम फायदा देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि डीएचए फेज 6 में जो 255 रोड के ऊपर चारमल्ला कमर्शियल है वहां पे प्लॉट की कम से कम प्राइस जो है वो 17 से 20 करोड़ के करीब है। अब आप ये देखें कि ये एक टाइम था कि जब ये 60 लाख की 70 लाख की फाइल थी, लेकिन इसको भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैक्सिमम मेरा ख्याल 10 से 12 साल 13 साल आप कह सकते हैं इस टाइम पे ये प्राइस थी, लेकिन आज यहाँ पे इतनी मतलब प्राइस शूट की है। उसकी वजह ये है कि कमर्शियल आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट देता है, तो सेक्टर जी में अगर आप कमर्शियल लेते हैं और यहाँ सेक्टर जी के साथ जो शहर है, एक तरफ कैंट है और एक तरफ डीएचए बहावलपुर का मेन गेट है, तो शहर में अगर आप हम जाके कमर्शियल के प्राइसेस जब पूछी हमने तो हम हैरान रह गए कि वहां पे छोटी छोटी जो दुकानें या 3 मरला या 4 मरला में जो उनके प्लाजा बने हुए हैं वो करोड़ों में उनकी प्राइसेस है। तो डीएचए का कंपैरिजन हम तो किसी लोकल सोसाइटी के साथ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब यहाँ पे डीएचए बैलेट करेगा और पोजेशन देगा तो प्राइसेस इंशाल्लाह जो शहर में प्राइसेस हैं या लोकल सोसाइटीज में प्राइसेस हैं वहां पे उनसे ये बहुत बेहतर होंगी। डीएचए ने क्योंकि एक पूरे डिजाइन के साथ मैप को शेयर किया होता है, 255 रोड्स हैं यहाँ पे, 150 रोड्स हैं, फिर थीम पार्क बना हुआ है, फिर आगे जाके विलाज है, अच्छे स्कूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, मस्जिदें इतनी थी प्यारी वहां पे बन रही हैं, ए ब्लॉक की मस्जिद कंप्लीट हो चुकी है, बी में कंस्ट्रक्शन हो रही है बी ब्लॉक मस्जिद की, तो आप डे बाय डे देखेंगे प्राइसेस यहां पे बेहतर होती जाएंगी। फिर तकमील स्क्वायर की जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी तेज से जारी है, पेरिकन मॉल है वो आ रहा है, मतलब इतनी चीजें हैं अगले आज के दिन में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको मैक्सिमम ये फायदा देंगी। अपने किसी भी प्लॉट की असेसमेंट के लिए या उसकी मालूमात के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 03219537814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।